स्वर्ण रेखा प्राइवेट आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 33 से 40 तक डिस्कस करेंगे। जो कैंडिडेट इसके पहले का पार्ट सब नहीं देखे हैं, सभी पार्ट जरूर देखिए। आगामी AIITT एग्जाम के लिए सभी जो है बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू किया जाए। इस वीडियो का पहला सवाल है, चार प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं। एक अर्ध स्वचालित क्लच पेंसिल लेड का आकार निम्न होता है। इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, 0.1, 0.2, 0.4 और 0.5। तो जो क्लच पेंसिल हम लोगों का होता है उसका जो लीड होता है, सेमी ऑटोमेटिक जो क्लच पेंसिल होता है उसका जो लीड होता है उसका आकार इसमें पूछा है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 0.5 mm। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल है, साधारण ड्राइंग के कार्यों में आम तौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब जनरली जो आम तौर पर जो ड्राइंग हम लोग यूज करते हैं उसमें इनमें से ये जो चार ऑप्शन दिया गया है ABCD, इसमें चार पेंसिल का ग्रेड दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ग्रेड जो है साधारण ड्राइंग कार्यों में जनरली यूज नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 6H। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हमारा अगला सवाल है, ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन का आकार इसमें पूछा है, क्रॉस सेक्शन इस आकार का होता है। तो आजकल का जो पेंसिल होता है उसको आप उसके आधार पे ये सवाल नहीं पूछा गया है। जनरली जो पेंसिल का क्रॉस सेक्शन एरिया का एक आकार होता है जनरली जो अधिकतर, तो उसके बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सम षट भुजाकार। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है अगर किसी पाइप को हम काटे बीच से टुकड़ा किए तो ये जो पाइप का मोटाई है, जो मोटाई है जितना मोटाई है उस मोटाई को अगर हम लोग देखें तो उसका आकार को क्रॉस सेक्शन का आकार बोलेंगे और उसका क्षेत्रफल को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे। और जनरली हम लोग जो देखते हैं पेंसिल उसका क्रॉस सेक्शन का आकार जो होता है सम षट भुजाकार होता है, यानी षट भुजाकार, छः भुजा वाला डिजाइन उसमें होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इरेजिंग शील्ड। इरेजिंग शील्ड का यूज जो होता है ये निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है, और इसमें से बाकी जैसे सैंड पेपर हो गया, ये तो किसी सरफेस को चिकना करने के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं। स्केल हो गया, इसका तो अलग, उसका माप लेने के लिए उसका हम लोग यूज करते हैं। फ्रेंच कर्व का रेखा खींचने के लिए अलग अलग डिजाइन का यूज करते हैं। तो इरेजिंग शील्ड इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इरेजिंग शील्ड इस पदार्थ की बनाई जाती है। अब इसमें पूछा गया है कि इरेजिंग शील्ड जो है किस पदार्थ का बनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा स्टील की पतली पत्ती, बहुत ही पतली पत्ती होता है स्टील का, उससे बनाया जाता है इरेजिंग शील्ड। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 38 नंबर सवाल है, फ्रेंच कर्व इस वर्ग से संबंधित है। फ्रेंच कर्व इस वर्ग से संबंधित है, मतलब यहाँ पे चार कैटेगरी दिया है, इसी में से कोई एक से संबंध रखता है फ्रेंच कर्व,
और उसका सही उत्तर पूछा गया है। तो इसमें वृत्त दीर्घ वृत्त, वृत्त दीर्घ वृत्त इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यानी फ्रेंच कर्व का प्रयोग करके हम लोग एलिप्स बना सकते हैं, एलिप्टिकल शेप हम लोग दे सकते हैं, सर्कुलर ड्राइंग में भी कहीं कहीं उसका यूज होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 39 क्वेश्चन हम लोग का है, मृदु ग्रेड और कठोर ग्रेड यानी सॉफ्ट ग्रेड और हार्ड ग्रेड के पेंसिल ड्राफ्टिंग कार्ड्स के लिए उपलब्ध है। निम्न रेखाचित्रकारी के लिए किसके लिए मृदु पेंसिल का प्रयोग करते हैं? अच्छा, मृदु यानी बिल्कुल सॉफ्ट का बात हो रहा है यहाँ पे, सॉफ्ट पेंसिल का यूज। ये जो चार यहाँ पे काम दिया गया है, चार यहाँ पे काम दिया गया है, इसमें से कौन सा काम में सॉफ्ट पेंसिल का यूज होता है? तो इसका सही उत्तर होगा गाढ़ी रेखा खींचना, ऑप्शन बी, गाढ़ी रेखा खींचना इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसमें जैसे पहला ऑप्शन है पतली रेखा खींचना, दूसरा है गाढ़ी रेखा खींचना, तीसरा है खंड रेखा खींचना या निर्माण रेखा खींचना। तो पतली रेखा यानी बिल्कुल जो पतला लाइन होता है, गाढ़ा रेखा मतलब जो डार्कनेस जिसमें ज़्यादा होगा, खंड मतलब जो टुकड़ा टुकड़ा डॉटेड लाइन जिसको, निर्माण रेखा यानी कंस्ट्रक्शन लाइन। तो जब हमको गाढ़ा दिखाना होता है, गाढ़ा का कहने का मतलब जैसे आप हार्डनेस जितना अधिक होगा पेंसिल का, उसका गाढ़ापन उतना कम होगा। यानी अगर आपको ज़्यादा मोटाई दिखाना है, बनाना है, तो आपको एकदम बिल्कुल सॉफ्ट पेंसिल का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा गाढ़ी रेखा खींचना, ऑप्शन बी। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये 40 नंबर क्वेश्चन है, पैमाने विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं, इनमें से सबसे टिकाऊ पदार्थ को छांटे। यहाँ पे चार पदार्थ का नाम दिया गया है और इसमें से सबसे टिकाऊ, यहाँ पे बात किया गया है सबसे टिकाऊ का, तो सबसे टिकाऊ जो लंबा समय तक टिकता है उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है लकड़ी तो बाकी सब का तुलना में कम टिकेगा, हाथी दांत जो है दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है सेलुलॉइड या प्लास्टिक, चौथा है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील इसका सही उत्तर है। स्टेनलेस स्टील एक बहुत ही उच्च कोटि का स्टील होता है जो बिल्कुल लंबा समय तक आपका ना तो उसमें जंग लगेगा, ना ही आप उसको मतलब उसको हीट से कोई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील जो है बहुत ही टिकाऊ होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़े। आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाए प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए धन्यवाद।